विंगेश्वर पुलिस द्वारा गश्त के दौरान बीती रात राशन से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 100 बोरा चना और 50 बोरा चावल कीमत लगभग 3,50,000 रुपए आका गया। चावल और चना लोड होने की जानकारी मिली है। ट्रक क्रमांक CG04AJ4727 छुरा के मडेली से गोबरा नवापाड़ा के एक व्यापारी के गोदाम जा रहा था, जिसे पुलिस ने फिंगेश्वर राज्य मुख्य मार्ग पर बोरसी चौक में पकड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक से भरा सामान PDS का है, जिसकी हेराफेरी की जा रही थी, लेकिन एन वक्त पर पुलिसिया गश्त में चेकिंग में रात के समय आ रहे ट्रक को रोककर पतासाजी करने पर राशन से भरा पाया गया। फिंगेश्वर थाना प्रभारी वेदवती दरियो ने बताया कि शंका के आधार पर उक्त जब्ती कार्रवाई की गई है और गरियाबंद खाद्य विभाग को सूचना कर इस संबंध में आगे की जाँच कार्रवाई हेतु जानकारी दे दी गई है। वहीं गरियाबंद खाद्य विभाग हुलास डडसेना का कहना है कि इस संबंध में सूचना मिली है, जिसके बाद उन्होंने खाद्य निरीक्षकों की टीम फिंगेश्वरी भेजी है। जांच के बाद ही वे इस संबंध में आगे कुछ कह पाएंगे। ट्रक में जो है चावल और चना भरा हुआ पुलिस ने रोका हुआ है। विभागीय अधिकारी और पुलिस के अधिकारी उस पर जाँच कर रहे हैं। अभी कुछ खुलासा हो पाएगा? देखो, अभी ये जांच चल रहा है, जांच पश्चात जो भी तथ्य आएंगे आप लोग को बताएंगे। सर, चना और चावल कितने क्विंटल? चना और चावल है ट्रक में, वही तथ्यों पर जांच किया जा रहा है कि कहाँ का चना है कहाँ का चावल है, ये विवेचना में है। बिल्कुल, यदि दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होता है वो किया जाएगा। गरियाबंद से ब्यूरो हेड रमेश कुमार सोनी, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं नेहा। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए अभी ही छत्तीसगढ़ विजन के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।